हैदराबादी मटन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम गोश्त। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी, 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ों को मैंने 2 आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। चावलों के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल दिया है मैंने नमक और गर्म मसाला। जब पानी बॉयल होने लगेगा तो इसके अंदर डाल देंगे चावल। गोश्त तकरीबन गल चुका है, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, आलू। अब ऑयल डालकर भूनना है। ऑयल के बाद डालना है 1.5 पैकेट बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले को डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च। चावलों को उबालने के लिए जो पानी रखा था वो बॉयल होने लगा है। अब उसके अंदर डाल देंगे चावल। गोश्त को उस वक्त तक पकाना है जब तक आलू गल ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची और नींबू का रस। चावलों को तकरीबन 75% तक पकाना है। पके हुए चावलों के अंदर मैंने शामिल किया था 1 नींबू का रस। चावलों को स्टीम करने के बाद मैंने पतीले के अंदर डाल दिया है थोड़े से ऑयल के साथ। इसके अंदर डाल दिया है मटन, उसके बाद बाकी बचे हुए चावल और येलो फूड कलर। अब चावलों को दम लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ नॉट ऑलरेडी एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।